मध्य प्रदेश की शहडोल लोकसभा सीट से 1977 से चुने गए 5 सांसदों में से 4 राजेंद्र ग्राम से हैं, जिसे पुष्पराजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य के अनूपपुर जिले में आता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जीतने वाला उम्मीदवार इसी जगह से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शहडोल सीट से चुनावी लड़ाई में उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पराजगढ़ से ही आते हैं। शहडोल सीट पर अब तक बीजेपी का दबदबा रहा है। एक बार के अलावा हर बार लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी के ही खाते में आई है। 2009 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने शहडोल सीट से अपनी मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह पर 2024 के चुनाव में भी भरोसा जताया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह मार्को से होगा। हमारे जैसे आवागमन की सुविधा जो हमारे, चाहे वो ट्रेन की हो चाहे आप अन्य कनेक्टिविटी की हम बात करें, आज भी दूर दराज में वही आवागमन की सुविधाओं पर लोग जो है परेशान रहते हैं। हम गांव से गांव को आज भी जोड़ नहीं पाए हैं। हमारी बिजली पानी की संघर्ष आज भी लोग करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है कई बार ऐसे देखा गया है कि लोगों को तत्काल सुविधा न मिलने के कारण, स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण जो है मौत के घाट गले उतर रहे हैं। हिमाद्री सिंह शहडोल निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कमी के आरोपों को गलत बताती हैं। उनके मुताबिक सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ उन्होंने इलाके में काम किया है। हमारे जिले जो है उसमें बहुत से रोड कनेक्टिविटी का भी हमने प्रयास किया, बहुत से कार्य प्रारंभ भी हैं, और निश्चित रूप से जैसा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे काम करती है, तो ठीक उसी तरह हमारे भी इस क्षेत्र में सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र में भी व्यापक रूप से यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं। शहडोल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। इसके तहत 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 45% आबादी आदिवासी समुदाय की है। इनमें से करीब 80% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ के कुछ वोटर बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवा को इस चुनाव में अहम मुद्दा मानते हैं। रोजगार एकदम कुछ है ही नहीं, रोजगार हमारे यहाँ कुछ इस टाइम पे सब बंद है पूरा, कुछ रोजगार का सुविधा ही नहीं दे रहा है सरकार इस टाइम। अब शिक्षा ना तो रोजगार, बस दो ही चीज। विकास के मुद्दे सर, विकास तो बहुत ही हो चुका है लगभग, फिर भी क्या है, मतलब बहुत कुछ कमियां हैं। मतलब जैसे मेडिकल कॉलेज में मतलब अभी कई प्रकार के डॉक्टरों की कमियां हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है बहुत ज्यादा यहाँ पर आज तक नहीं हुआ। कई मतलब 4-5 साल हो गए लगभग मेडिकल कॉलेज पर आज तक कोई नहीं हुआ। रेलवे में कई जगह के लिए जैसे डायरेक्ट जैसे नागपुर के लिए ट्रेन चाहिए हमें, पर नागपुर के लिए ट्रेन सीधी मिली भी पर ऐसी टाइमिंग मिली कि कोई भी मतलब सुविधाजनक नहीं। विकास के लिए तो अभी कई मुद्दे हैं। एक तो नगर की सड़कों की व्यवस्था सबसे ज्यादा दयनीय है। आप किसी भी मोहल्ले की गली में घुस जाइए, ये सीवर लाइन के चलते पूरी लाइनें माने चलने योग्य रह नहीं गई हैं। खासकर बरसात के दिनों में तो आप वाहन लेकर चल ही नहीं सकते हैं सड़कों में। और दूसरी पेयजल की समस्या, नया बस स्टैंड की समस्या। भाई इस बस स्टैंड को आप जहां खड़े हुए हैं वहां देख लीजिए कि 2:12 से 2 के बीच में यहाँ बसें नहीं समाती, माने इतनी बसें हो जाती हैं यहाँ पर, लगभग टोटल 450 बसें हैं। पुष्पराजगढ़ के लोगों की शिकायत है कि शहडोल के कई सांसद उनके शहर के हैं, इसके बावजूद विकास के कामों से ये इलाका अछूता रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की विकास आप लोग खुद देख रहे हैं। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड में एक कॉम्प्लेक्स अभी 2-4 साल से नहीं है। जो महिलाएं यात्री आते हैं और भी कई तरह की परेशानियां हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो सब मुद्दा है, यहाँ तो सब जीरो में है। सर जी, पुष्पराजगढ़ में तो कोई ऐसे विकास कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। खाली विकास जो है मोदी के कार्यकाल में वही हुआ था जो गरीबों के लिए, माने खाली उनके कार्यकाल के समय में माने पीएम आवास कुछ मिला था, और खाली रोजगार गारंटी जो मिला, जो उसमें रोजगार गारंटियों में जो किसानों के पूर्ण कार्य नहीं हो पाया। आज भी किसान जो है उसी तरह के हैं जो योजना में वंचित हैं। कई और वोटरों को बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं दिखती। बीजेपी पार्टी से अपन लोग जैसे हम सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही रहे, और जैसे शिवराज मामा भी निकाले पिछले लाडली बहना योजना, मतलब बहुत सहयोग प्राप्त हो गया लाडली बहनों को। वैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी मतलब कितने आगे ले जा रहे हैं अपने देश को,
गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री मोदी ही बनना है, वो तो पूरा सर्वे में सब कुछ दिख रहा, उनका काम भी दिख रहा, रोड की कंडीशन भी देखें, पहले की रोड बनती थी एक दो साल में पूरी उखड़ जाती थी, छह महीने के अंदर उखड़ना शुरू हो जाता था, आज के डेट में कम से कम रोड एक बार बनने के बाद कम से कम देखो मतलब कुछ इतना अच्छा रिलैक्स हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो हम तो गाड़ी के हो बनवाते में ही खर्च हो जाते थे। शहडोल में 19 अप्रैल को 2024 लोकसभा चुनावों के पहले चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी ने 2019 के चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की थी।